नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन कैसे करें, ग्रेजुएशन करने के फ़ायदे क्या हैं, ग्रेजुएशन करना क्यों ज़रूरी होता है, पूरे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ग्रेजुएशन क्या है, कैसे करें, ग्रेजुएशन करने के फ़ायदे क्या हैं। ग्रेजुएशन क्या है, व्हाट इज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन ट्वेल्थ यानी कि 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद बैचलर डिग्री पाने के लिए किए जाने वाला एक कोर्स है जिसकी अवधि होती है 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है। बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीकॉम इत्यादि, ये आपके नाम है ग्रेजुएशन कोर्स के। बीए, बीएससी कैसे किया जाता है पूरे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं। अब यदि आपके मन में प्रश्न आता है कि स्नातक पास का मतलब का या अर्थ क्या है ये, तो इसका अर्थ है कि किसी के द्वारा ग्रेजुएशन करना, अगर किसी ने ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है तो उसे स्नातक पास या ग्रेजुएट बोलते हैं, कहा जाता है। जैसे किसी को ग्रेजुएट कहा जाता है कि ये ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएट का है अर्थ हुआ कि उन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है, यानी कि बीए या बीएससी, बीटेक कंप्लीट किया है, उनके पास ये डिग्री हो चुका है, तो उसे कहा जाता है कि ये ग्रेजुएट हैं। यह कुछ लोकप्रिय ग्रेजुएशन प्रोग्राम या कोर्स है जो अधिकतर यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ कोर्स के लिए स्पेशल कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं, जैसे बीटेक के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कोर्स के लिए मेडिकल कॉलेज ETC। चलिए और आपको हम बताते हैं इसमें आप पूरे डिटेल्स में ग्रेजुएशन कोर्स के नाम क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ इसमें। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन कोर्सेज के नाम क्या है, शॉर्ट नेम में कहा जाता है, जैसे बीए, बीए का मतलब हो गया दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट्स कला, बीएससी तो बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बाद है दोस्तों बीए एलएलबी यानी कि बीए विथ बैचलर ऑफ लॉ, BDES यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइन, BORG इसका मतलब है बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, BTEC यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद है दोस्तों बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी BCS, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी BFA, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग B, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी BFM, ये आपके ग्रेजुएशन कोर्स के नाम है। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे कि ग्रेजुएशन के लिए योग्यता क्या चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए मिनिमम योग्यता 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी 12वीं कक्षा मतलब कि 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अपनी स्ट्रीम के लिए स्टूबुल यानी यूनिवर्सिटी के लिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम जिसमें वो प्रवेश लेने की योग्यता रखता है ग्रेजुएशन कर सकता है। देखिए जैसे आपको बीटेक करना है, बी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश लेने के लिए स्टूडेंट को IIT JEE मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ पे बीटेक आ रहा है, दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो में बीटेक के बारे में देख सकते हैं कि बीटेक में कैसे एडमिशन होता है, पूरे डिटेल्स में आपको बताया हूँ उसमें। कई टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, जबकि अधिकतम स्टेट लेवल टॉप यूनिवर्सिटी में 12th के नंबरों के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। ग्रेजुएशन कैसे करें, अब देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ। ग्रेजुएशन के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है। अगर आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो आप किसी भी सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ओपन संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हैं। यदि आप किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 12th क्लास में अच्छे नंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है आपको। यदि आप बिना नंबर का चाहते हैं कि हम टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो नहीं हो पाएगा, नंबर चाहिए।
बीटेक ग्रेजुएट होना है तो ट्वेल्थ में आपको कम से कम मैथ में 75% से ज़्यादा अंक लाना होगा, तब जाके आपका आईआईटी जेई एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी होगा, तब जाकर आपका आएगा मेरिट लिस्ट में नाम। किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए ट्वेल्थ में कम से कम आज के डेट में अब 80% प्लस नंबर होना बेहतर रहता है। कला वर्ग से ट्वेल्थ करने के लिए अधिकतर स्टूडेंट बीए करते हैं, साइंस वाले बीएससी करते हैं, बीटेक मैथ वाले ही करेंगे, मैथ से पढ़ेंगे तभी आप बीटेक करेंगे इंटरमीडिएट में। बीकॉम कोर्स करने के लिए वो अपना आईकॉम करते हैं, जिनमें किसी भी वर्ग से ट्वेल्थ करने वाला स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। ग्रेजुएशन करना क्यों ज़रूरी है अब आपको मैं बताऊँगा। ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट के पास ज़्यादा नौकरियां पाने के अवसर होते हैं, क्योंकि उनके पास बैचलर डिग्री आ जाती है और यह कई सारी नौकरियों के लिए ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करने से ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, जो हर तरह से फायदेमंद है। ग्रेजुएशन डिग्री होने से किसी भी सेक्टर में काम करने या मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। उच्च शिक्षा यानी मास्टर डिग्री करने के लिए भी ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लेने सरकारी स्कूल में टीचर बनने की योग्यता आ जाती है। इन सब के अलावा भी अनेक ऐसे कारण मिल जाएंगे जो यह बताते हैं कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी क्यों है। कई स्टूडेंट स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं या इस डिग्री को करना छोड़ देते हैं, लेकिन इस जानकारी से हर स्टूडेंट को यह ज़रूर समझना चाहिए कि ग्रेजुएशन करने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताएं ग्रेजुएशन करने के फ़ायदे क्या हैं, ग्रेजुएशन कैसे करें, ग्रेजुएशन क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।